पॉइंट नंबर वन है परीक्षा के पैटर्न को अच्छी तरह से समझिए। अगर इस पॉइंट नंबर टू है कि अपने अटेम्प्ट ईयर को प्लान कीजिए। आपको अपना टारगेट अटेम्प्ट पहले से सेट करना होगा और उसी हिसाब से आपको अपनी रणनीति बनानी होगी। तो हर महीने का एक मासिक लक्ष्य बनाना बहुत जरूरी है। दैट मींस यू हैव टू सेट सम मंथली टारगेट्स एंड यू हैव टू फॉलो देम सिंसियरली। तो बेसिक से मेरा मतलब यह है कि अब देखिए, जैसे आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सारी चीजें स्कूल में कभी ना कभी पढ़ी होंगी, तो तुरंत हाई लेवल की किताबें मत पढ़िए। पहली है, आप हमारी ये वीडियो जरूर देखिए। नोट्स जो क्लासेस से मिलते हैं या और स्पेशली किसी और के नोट्स, ये पढ़ाई करने के लिए क्विक तरीका हो सकता है, लेकिन ऐसा करने से आपको सब्जेक्ट आत्मसात नहीं होगा। हमारे इस वीडियो को जरूर देखिए। ऑलवेज मेक योर ओन नोट्स। सोशल मीडिया से बचें। लोग किताबों से पढ़ते ही नहीं, वो सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे सुनते हैं। आपकी पढ़ाई हमेशा स्टैंडर्ड बुक से ही होगी। तो ये वीडियो जरूर देखें, जिसकी लिंक आपको अगेन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप अपने पहले अटेम्प्ट को ही आखिरी अटेम्प्ट मान के चलिए। आपको ये एक एटीट्यूड अपने अंदर रखना है कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकालना है। रेगुलर न्यूज़पेपर रीडिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अल्टीमेटली दैट एड्स टू योर एनलाइटनमेंट एंड दिस एग्जाम इन फैक्ट इज ऑल अबाउट एनलाइटनमेंट। तुम अगर जीएस के भी पेपर्स देखोगे तो इवन उसके हिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे या किसी भी टॉपिक पे जो सवाल होंगे वो ऐसे फ्लैट नहीं होते, वो उसमें हमेशा तुम्हारे व्यूज पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आप जरूर देखिए, जिसकी लिंक। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। आपके लेखन कौशल को आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। इस एग्जाम में आपको आपकी सारी नॉलेज वर्ड्स में उतारनी है। 1750 नंबर, ये फिगर हमेशा याद रखना है आपको। इस एग्जाम में 1750 में से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करनी है एंड यू नो हाउ टू गो अबाउट इट। तो आपको कोचिंग क्लास की कोई जरूरत नहीं होते। यूपीएससी में कई कैंडिडेट्स होते हैं जो बिना कोचिंग के सिलेक्ट होते हैं और उसमें कई टॉप में भी आते हैं। कि आप जब भी किसी कोचिंग क्लास में जाएंगे तो आप उनसे एक सवाल जरूर पूछिए कि ये 1750 नंबर का जो मेंस का पूरा सिलेबस है, इसमें आप कितना कराएंगे और आप उसको कैसे कैसे कराएंगे, और आपके यहाँ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे होती है या नहीं होती है। ये सब सब्जेक्ट आपको हमेशा वो लेना चाहिए जिसके लिए आपको आपकी सिटी में, आप जिस भी सिटी में प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें आपके पास बेस्ट गाइडेंस अवेलेबल हो। यहाँ पर आप अपने इंटरेस्ट को साइड में रख दीजिए। देखिए, आपका इंटरेस्ट किस में है वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए। यूपीएससी की सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में सफल होने के लिए आपको एक समर्पित प्रयास, व्यापक रणनीति और एक अनुशासित दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। इस वीडियो में हमने आपको आपकी तैयारी में मदद करने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स प्रस्तुत किए हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको जरूर काम आएंगे। और अगर आप अपने आईएएस बनने के सपने को पूरा करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर वन है परीक्षा के पैटर्न को अच्छी तरह से समझिए। अगर इस एग्जाम में आपको सफल होना है तो उस एग्जाम का एग्जैक्ट पैटर्न क्या है, यानी कि आपको कितना वेटेज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए देना है और कितना आंसर राइटिंग के हिसाब से देना है, उस हिसाब से आपको उसकी एक व्यापक रणनीति बनानी होगी। और पाठ्यक्रम में जितने भी टॉपिक्स हैं वो उन सब से आपको वाकिफ होना बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर टू है कि अपने अटेम्प्ट ईयर को प्लान कीजिए। देखिए, यूपीएससी ने आपको अटेम्प्ट्स दिए हुए हैं, यानी हर कैटेगरी में अलग अलग अटेम्प्ट्स हैं। जनरल कैटेगरी में 6 है और बाकी की कैटेगरीज में ज्यादा अटेम्प्ट्स हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर साल वहां पे जाके अटेम्प्ट देना है। अटेम्प्ट कैसे देना और कब देना है, उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाई है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस वीडियो को आप जरूर देखिए। तो आइए हम अटेम्प्ट ईयर की बात करते हैं। आपको अपना टारगेट अटेम्प्ट पहले से सेट करना होगा और उसी हिसाब से आपको अपनी रणनीति बनानी होगी। नहीं तो क्या होगा कि आप पढ़ते भी रहेंगे और एक अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट भी देते जाएंगे और ऐसा करते करते 4-5 साल निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए जैसे अगर आप अभी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं तो आप तय कीजिए कि कम से कम कितना समय लगेगा आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करने में। पूरे सिलेबस से मेरा मतलब है कि मेंस का सिलेबस, क्योंकि आप मेंस का सिलेबस अगर अच्छे से करते हैं तो समझ लीजिए आपकी मेजर पढ़ाई हो गई है। क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस में 80-85% सिलेबस ओवरलैपिंग होता है और मेंस की पढ़ाई करने से आपकी प्रीलिम्स की भी सब्सटेंशियल पढ़ाई हो जाती है। अगर आप सिर्फ प्रीलिम्स की पढ़ाई करेंगे तो आप कभी सिलेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आप प्रीलिम्स क्लियर हो भी जाते हैं तो आप फाइनली सिलेक्ट नहीं होंगे। एंड यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग इन माइंड दैट देयर इज नो पॉइंट इन क्लियरिंग जस्ट प्रीलिम्स अनलेस यू पास द एंटायर एग्जाम। तो इसी के साथ हम अपने थर्ड पॉइंट पे आते हैं। तो तीसरा पॉइंट है कि एक बार आपने जब अपना अटेम्प्ट ईयर प्लान कर लिया और आपको कब अटेम्प्ट देना है वो सारी चीजें आपने तय कर ली, तो उसके बाद
आपको हर महीने का एक मासिक लक्ष्य बनाना बहुत जरूरी है। दैट मींस यू हैव टू सेट सम मंथली टारगेट्स एंड यू हैव टू फॉलो देम सिंसियरली। देखिए, ये आपको कोई चेक करने आने नहीं वाला है, ना आपसे कोई पूछने वाला है कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। अब माँ बाप और घर वाले बीच बीच में पूछते रहेंगे कैसी पढ़ाई चल रही है, लेकिन वो जो टारगेट्स आपने सेट किए उसके ऊपर कोई आपको गाइड नहीं करने वाला, वो आपको खुद बनाने, खुद तय करने और उसको उस लक्ष्य पे पहुंचना है। ये आपको खुद से ही तय करना है कि आप उसको कितनी पढ़ाई कर सकते हैं और उसमें आपको कितना टाइम लगेगा। तो आपकी पढ़ाई की स्पीड भी ऐसा नहीं है कि पहले दिन से ही ज़्यादा रहेगी, पढ़ाई की स्पीड भी धीरे धीरे बढ़ती है और आगे चल के आपकी ग्रास्पिंग पावर बहुत फास्ट हो जाती है। तो आप अभी किस लेवल पे हैं उस चीज़ को आपको खुद को जानना है और उस हिसाब से आपको रियलिस्टिक एंड रीजनेबल टारगेट्स सेट करने हैं। और टारगेट्स सेट करना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर आप उसको नहीं करेंगे, आप मान लो कोई कोचिंग क्लास भी ज्वाइन करते हैं तो कोचिंग क्लास में सिलेबस चल रहा होता है, इधर आपकी पढ़ाई पीछे चल रही होती है, ऐसा करते करते एक बैकलॉग जमा होता है और बैकलॉग एक बार जमा हो गया कि आपका डीमोटिवेशन बढ़ना शुरू हो जाता है। आपके मोटिवेशन का जो ग्राफ है वो ऐसा धीरे धीरे नीचे आने लगता है क्योंकि आप नए जो टॉपिक चल रहे हैं उनके साथ आप कैचअप नहीं कर पा रहे और पुरानी ढेर सारी पढ़ाई ऑलरेडी बैकलॉग में चली गई है। तो इस वजह से आपको अपने लक्ष्यों को सिंसियरिटी से पूरा करना बहुत जरूरी है और हमेशा ध्यान में रखना है कि आपने कौन सा अटेम्प्ट टारगेट किया है। और अटेम्प्ट टारगेट करना रियलिस्टिक होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपने अभी पढ़ाई शुरू की है तो अभी जो तुरंत आने वाला अटेम्प्ट है वो आपको देना है। वो गलती तो आप कभी मत करना कि पढ़ाई शुरू करते ही अटेम्प्ट दे दिया, क्योंकि इसकी वजह से आपकी पूरी स्ट्रैटेजी गड़बड़ा जाएगी और घूम फिर के वही होगा आपके साथ जो सबके साथ होता है, जो 90% या 99% लोगों के साथ होता है, वो ये कि इसमें लोग आप बाकियों की तरह 4-5 साल बर्बाद करके चले जाएंगे और फिर एक नए करियर को एक हारे हुए खिलाड़ी की तरह एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे एंड दैट इज पॉइंट नंबर 4। अपनी पढ़ाई की शुरुआत हमेशा बेसिक से करें। तो बेसिक से मेरा मतलब ये है कि अब देखिए, जैसे आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सारी चीज़ें स्कूल में कभी ना कभी पढ़ी होंगी, तो तुरंत हाई लेवल की किताबें मत पढ़िए। पहले एक बार ये स्कूल की जो किताबें हैं, यानी जिसके लिए हम एनसीईआरटी सबसे बेस्ट है, उसको एक बार देख लीजिए कैसा एनसीईआरटी जो रहती है वो स्कूल के बच्चों की किताबें होती हैं। आप जब इसकी प्रिपरेशन करते हैं आप ऑलरेडी एक लेवल पे आ चुके हैं, आप उम्र के कम से कम 19-20 साल या 20 साल से ऊपर के होंगे, तो ये स्कूल की किताबें आप बहुत जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। तो इनको आप एक बार ज़रूर पढ़िए क्योंकि उससे आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और फिर देन यू कैन मूव ओवर टू द एडवांस बुक्स और या जिसे हम स्टैंडर्ड बुक्स कहते हैं, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत या इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह या बिपिन चंद्रा। तो इस टाइप की किताबों पर आप बाद में आइए, आप पहले अपनी पढ़ाई की शुरुआत बेसिक से ही करें, इस बात का जरूर ध्यान रखें। और एनसीईआरटीज को कैसे पढ़ना है और एनसीईआरटीज से आपको क्या फायदा होगा, उसके लिए आप हमारी ये वीडियो जरूर देखिए जिससे आपको एक ओवरव्यू मिलेगा कि एनसीईआरटीज से पढ़ाई शुरू क्यों करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 5, अपनी पढ़ाई हमेशा स्टैंडर्ड बुक से करें। स्टैंडर्ड बुक्स का मतलब यह है कि जो अच्छे ऑथर्स ने अलग अलग टॉपिक्स पे किताबें लिखी है उनसे करें। नोट्स जो क्लासेस से मिलते हैं या और स्पेशली किसी और के नोट्स, ये पढ़ाई करने के लिए क्विक तरीका हो सकता है, लेकिन ऐसा करने से आपको सब्जेक्ट आत्मसात नहीं होगा। स्टैंडर्ड बुक से पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि कोई भी विषय आपके जहन में तभी उतरता है जब आप उसको स्टैंडर्ड बुक से पढ़ते हैं, और इससे आपको उस विषय अच्छे से समझ में भी आता है और जिसकी वजह से आप एक क्वालिटी के आंसर्स लिख पाएंगे। नोट्स पढ़ने से क्विक स्टडीज होती है। और अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो इसके लिए हमारे इस वीडियो को जरूर देखिए जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। द वीडियो इज अबाउट नोट्स वर्सेस स्टैंडर्ड बुक्स। सो विद दिस वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 इज ऑलवेज मेक योर ओन नोट्स। देखिए, यूपीएससी में नोट्स जो बनाने की प्रक्रिया होती है, यूपीएससी की पढ़ाई में या किसी भी पढ़ाई में, वो सबकी पर्सनलाइज्ड होती है। तो किसी और के बनाए हुए नोट्स आपके लिए कचरा है, आपके वो किसी काम नहीं आने वाले, क्योंकि जिसने भी वो नोट्स बनाए हैं वो उसने अपने कंफर्ट और अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बनाए। मे बी उसने उसमें कुछ कीवर्ड्स लगाए होंगे और जिसका उसको मालूम है, उसका आपको तो नहीं मालूम। तो आपको अपने नोट्स बनाने और नोट्स हमेशा क्रिस्प और प्रिसाइज बनाए। आप नोट्स बड़े बड़े नहीं बनाने चाहिए। उसका सिंपल रीजन ये है कि एग्जाम के पहले आप मोटी मोटी किताबें तो ऑब्वियसली बात है नहीं पढ़ पाएंगे और बड़े नोट्स को भी पढ़ना पॉसिबल नहीं होगा। एग्जाम से पहले जब आपको रिवाइज करना होता है तो आपको अपने नोट्स बहुत प्रिसाइज वे में जो बने हैं उसी से करना होता है।
तो इसी पॉइंट से एक और इम्पॉर्टेंट बात बतानी थी, जो ये है कि माइक्रो नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए। माइक्रो नोट्स में और बाकी नोट्स में फ़र्क ये होता है कि माइक्रो नोट्स में कोई ग्रामर नहीं होती, उसमें सिर्फ कीवर्ड्स होते, लेकिन फिर वो कीवर्ड्स भी तभी आपके काम आएंगे जब आपकी स्टैंडर्ड बुक से और अदरवाइज आपकी पढ़ाई अच्छे से हो चुकी हो, अदरवाइज वो दोस कीवर्ड्स वुड मेक नो सेंस। सो विद दिस वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 इज सोशल मीडिया से बचें। अब सोशल मीडिया से बचने का मतलब मेरा ये है कि सोशल मीडिया से पढ़ाई ना करें। अब आजकल मेरे पिछले कुछ सालों के टीचिंग एक्सपीरियंस से ये पता लग रहा है कि कई लोग किताबों से पढ़ते ही नहीं, वो सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे सुनते हैं। यूट्यूब पे सुनने से कभी आपकी पढ़ाई नहीं होगी, आपकी पढ़ाई हमेशा स्टैंडर्ड बुक से ही होगी। यूट्यूब से हो सकता है कि आपकी जो आपने जो पढ़ाई की है उसमें थोड़ी सी एनहेंसमेंट हो, उसकी वजह से आपको एक ऑडियो विजुअल स्टिमुलस मिलता है और तो उसका आपको एक लेवल पे फायदा होगा, लेकिन दैट इज़ नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर योर बुक्स। आपको पढ़ाई तो हमेशा बुक से ही करनी है, प्रिंटेड मीडिया से ही पढ़ाई करनी, क्योंकि आपको एक्चुअली आंसर भी लिखना है, कहीं ऑनलाइन नहीं है ये एग्जाम, फिजिकल एग्जाम है, ऑनलाइन एग्जाम नहीं है। तो जैसा वो एग्जाम है जिसमें एक्चुअली आपको फिजिकली लिखना है, तो आपको ऐसे ही फिजिकली पढ़ना भी पड़ेगा। आप सोशल मीडिया से पढ़ाई पूरी तरह से ना करें। और इसके लिए इसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाई है कि सोशल मीडिया का यूपीएससी की पढ़ाई में कैसे यूज़ किया जाए, तो ये वीडियो ज़रूर देखें, जिसकी लिंक आपको अगेन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अच्छा, इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, दैट इज पॉइंट नंबर 8। वो ये है कि आप अपने पहले अटेम्प्ट को ही आखिरी अटेम्प्ट मान के चलिए। देखिए, यूपीएससी ने अटेम्प्ट दिए वो ठीक है, लेकिन आप अगर सारे अटेम्प्ट देने के चक्कर में रहेंगे तो पहली बात तो आप कभी सिलेक्ट ही नहीं होंगे। आपको ये एक एटीट्यूड अपने अंदर रखना है कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकालना है। ऐसा सोचिए, भले ही कितने अटेम्प्ट आपके पास है, आप किस कैटेगरी में, वो सब जाने दीजिए, आपको ये तय करना है कि मेरा पहला अटेम्प्ट ही आखिरी अटेम्प्ट होगा। तो अगर आप ऐसा तय करके चलते हैं तो यू विल बेसिकली इनकल्केट एन एटीट्यूड इन योरसेल्फ टू क्रैक दिस एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। तो अगर आप ये ऐसा तय करते हैं तो आप खुद ही अपना पहला अटेम्प्ट रुक के देंगे, आप जो अटेम्प्ट सामने आया उसमें आप अटेम्प्ट नहीं देंगे। देखिए, यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है कि हर साल उसको लोगों को रिक्रूट करना है, इसलिए यूपीएससी का अपना का काम है हर साल एग्जाम लेना, लेकिन ये आपका काम है कि ये सोचना कि हर साल एग्जाम देना या नहीं देना। यूपीएससी एग्जाम ले रही है इसलिए आपको वहां जाके बैठना है, ऐसा जरूरी नहीं है। आप पहले अपना एक टारगेट अटेम्प्ट रखिए, जिसकी हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, और उसी अटेम्प्ट में सिलेक्ट होगा होना है, ये आपका एक लक्ष्य होना चाहिए। तो ऐसा करने से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि उस अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन ऐसा करने से ये भी होगा कि आपका आने वाले अटेम्प्ट में सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। तो इसीलिए अपना फर्स्ट अटेम्प्ट ही आखिरी अटेम्प्ट टारगेट करके चले। पॉइंट नंबर 9, न्यूज़पेपर रीडिंग जरूर कीजिए। न्यूज़पेपर पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि पहली बात तो यूपीएससी के दोनों एग्जाम्स, प्रीलिम्स और मेंस, और इवन इंटरव्यू में भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड चीजें पूछी जाती है। तो पहली बात तो आप करंट अफेयर्स से एक रेगुलर बेसिस पे अपडेटेड रहेंगे। खैर, करंट अफेयर्स के रेगुलर अपडेट्स के लिए आपको दूसरे भी बहुत सारे सोर्सेज से जानकारी मिल सकती है, जैसे कि उसकी मैगजीन्स आती है, एक्सक्लूसिवली सिविल सर्विसेज ओरिएंटेड भी मैगजीन्स आती है, और इंटरनेट तो भरा पड़ा हुआ है करंट के नोट्स के साथ। लेकिन बात सिर्फ उसकी नहीं है कि आपकी उसमें करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन हो रही है, बात इसकी है कि जैसे आप अच्छे न्यूज़पेपर्स जैसे हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, इनके जो लीड कॉलम्स होते हैं ये बहुत एमिनेंट लोगों द्वारा लिखे जाते हैं, तो वो अपने इतने सालों का एक्सपीरियंस, उनका अभ्यास, वो सब उस पर्टिकुलर लेख में उतारते हैं। तो अब आपको उनका सारा एक्सपीरियंस और वो आपको एक छोटे से फॉर्म में पढ़ने को मिल जाता है, तो उसकी वजह से कैसा होता है, आपका जो इनलाइटनमेंट लेवल है वो बढ़ता है। तो रेगुलर न्यूज़पेपर रीडिंग का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अल्टीमेटली दैट एड्स टू योर एनलाइटनमेंट, एंड दिस एग्जाम इन फैक्ट इज ऑल अबाउट एनलाइटनमेंट। तुम अगर जीएस के भी पेपर्स देखोगे तो इवन उसके हिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे या किसी भी टॉपिक पे जो सवाल होंगे वो ऐसे फ्लैट नहीं होते, वो उसमें हमेशा तुम्हारे व्यूज पूछे जाते हैं, उसको तुमको किसी चीज से लिंक करना होता है, उसको डिस्कस करना होता है। तो ये जो डिस्कशन और इस सब का पार्ट है, ये इसमें बेसिकली तुम्हारा ये रीडिंग काम आता है, क्योंकि आपका जब ग्रूमिंग होता है इन सब एसेज और इन सारे आर्टिकल्स को पढ़ के, उनको तुम अपने आंसर्स में उतार सकते हो। उसका वो कैसे उतारोगे, क्योंकि वो आपकी पर्सनालिटी में उतरता है, और आपकी पर्सनालिटी का पार्ट बनने की वजह से आपके आंसर्स की क्वालिटी एनहांस होती है। तो इसीलिए न्यूज़पेपर रीडिंग को लाइटली मत लीजिए। मैंने कई यूपीएससी के कैंडिडेट्स, एस्पिरेंट्स देखे जो न्यूज़पेपर को हाथ भी नहीं लगाते, लोग क्विक फिक्स मेजर्स ढूंढते हैं, उनको करंट अफेयर्स करना है तो करंट अफेयर्स के लिए ये नोट्स, वो नोट, विजन नोट्स और पता नहीं कितने सारे
इंटरनेट पे पढ़े नोट्स वो सब पढ़ते हैं, और ऐसा करने से नहीं होता है। देखिए आप उसको शॉर्टकट में पढ़ेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आपका प्रीलिम क्लियर होगा। अगर आपको इस एग्जाम को फाइनली क्लियर करना है दैट इन फ्लाइंग कलर्स, तो आपको अपना एनलाइटनमेंट लेवल बढ़ाना पड़ेगा। उसका आपको एसे में भी फायदा होगा, उसका आपको पेपर फोर में भी फायदा होगा। अब कई लोगों का कहना है कि हमारी सिटी में हिंदू नहीं मिलता, तो हिंदू नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, आप इंडियन एक्सप्रेस मंगा लीजिए। या देखा जाए तो कोई भी अच्छा पेपर जो रहेगा उसका जो संपादकीय होता है यानी एडिटोरियल, उसमें अच्छे ही लोग आर्टिकल्स लिखते हैं। वो इट डजंट मैटर तुम कौन से न्यूज़पेपर का पढ़ते हो, वैसे भी आपको अपना एनलाइटनमेंट लेवल बढ़ाना है। किसी पर्टिकुलर ऑथर के या किसी पर्टिकुलर एडिटर की कहानियां पढ़नी है ऐसा जरूरी नहीं है। एनलाइटनमेंट हमेशा आपके रीडिंग से ही बढ़ता है। तो नटशेल में हम ये कह सकते हैं कि दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी। देखिए वो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी ये सारा जो सिलेबस में दिया हुआ है उसका आपके आईएएस और आईपीएस या किसी भी सर्विस में जाने से कोई रिलेशन नहीं है। आप मान लो एक आईपीएस ऑफिसर बनते हैं तो आप ज्योग्राफी का उसमें क्या यूज करने वाले, इकोनॉमी का क्या यूज करने वाले, उसके लिए वैसे भी वहां जो आपको करना है उसके लिए तो अलग से ट्रेनिंग होती है। तो पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि वो इस सर्विस में कुछ अच्छे उच्च स्तर के लोगों को सिलेक्ट करना चाहते हैं, जो लोग एक लेवल के इवोल्यूशन पे हो। तो वो इवॉल्व पर्सनालिटीज आपकी अच्छे रीडिंग से ही आएगी। उसके लिए क्विक फिक्स और शॉर्टकट मेथड्स ना ढूंढे, तो न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है, जिसका आपको पेपर फेवर में भी फायदा होगा और अन्य चीजों में भी। हर जीएस के भी जो सारे आंसर्स रहते हैं वो दे आर स्मॉल एसेज ओनली। ओके, सो विद दिस वी कम टू द 10th पॉइंट। एंड ओके, बिफोर वी कम टू द 10th पॉइंट, इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाई है कि यूपीएससी में करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कैसे करें। तो ये वीडियो आप जरूर देखिए, जिसकी लिंक फिर से आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि कितने सारे वीडियोस देखने के लिए कह रहे हैं, लेकिन ये सारे वीडियोस आपके बेनिफिट के लिए ही है, आप इसे जरूर देखिए। तो हम अपने अगले पॉइंट पे आते हैं, और अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 10, और वो तो इनफैक्ट इस एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। आपके लेखन कौशल को आपको बढ़ाना ही पड़ेगा उसका, और वो कैसे बढ़ेगा, वो सिर्फ प्रैक्टिस से बढ़ेगा। आप ये मत सोचिए कि आप एक दो साल पढ़ाई करते रहेंगे और पहली बार सीधा एग्जाम मेंस में जाके लिखेंगे। अगर आप ऐसा करने के किसी प्लान में, तो आप भूल जाइए कि आप जिंदगी भर भी इस एग्जाम में बैठेंगे तो कभी सिलेक्ट नहीं हो सकते। इस एग्जाम में आपको आपकी सारी नॉलेज वर्ड्स में उतारनी है। मान लीजिए आपको दुनिया में सबसे ज्यादा नॉलेज है, या पिछले साल जिसने टॉप किया था उससे ज्यादा नॉलेज है, या दुनिया में भी सबसे ज्यादा नॉलेज है, लेकिन अगर आप अपना नॉलेज आंसर्स में नहीं रिप्रोड्यूस कर सकते, इफ यू आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस योर नॉलेज इन राइटिंग इन द स्टिपुलेटेड नंबर ऑफ वर्ड्स एंड इन दैट पर्टिकुलर टाइम, तो द एंटायर प्रिपरेशन इज वर्थलेस। क्योंकि आपका सिलेक्शन वो 1750 नंबर में से होने वाला है, याद रखिए 1750 नंबर, ये फिगर हमेशा याद रखना है। आपको इस एग्जाम में 1750 में से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करनी है। दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट अ नंबर गेम। ये नंबर गेम जो है, ये 250 नंबर के पेपर होते हैं, इनमें आपको हर क्वेश्चन में कैसे एज लेना है वो सोचना है। देखिए अगर आपने अपनी आंसर राइटिंग स्किल्स इस तरह से इंप्रूव की कि आपको हर आंसर में आधे नंबर का भी अगर बाकियों से एडवांटेज मिलता है, तो खुद सोचिए जीएस में चार पेपर्स होते हैं, चार पेपर्स में अगर आपके अप्रॉक्सीमेटली अगर 20 क्वेश्चन हम पकड़ लें, तो आधे आधे नंबर के 20 क्वेश्चन इंटू वन पेपर, यानी कितने हुए 10 मार्क्स पर पेपर, 4 पेपर्स मिला के 40 नंबर आपके मेंस में एक्स्ट्रा आएंगे। ये 40 नंबर आपकी रैंक कहां से कहां पहुंचा देंगे। अगर आपकी रैंक लास्ट 600 आने वाली है, तो आपकी रैंक 100 के अंदर आ जाएगी, और अगर आप ऑलरेडी 100 के अंदर आ रहे हैं तो आप टॉप 5 में आ जाएंगे। ये तो आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, और ये पूरे इस एग्जाम की रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। और इसी पॉइंट को जनरली लोग इग्नोर करते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते और पढ़ते रहते हैं। पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, आप हो सकता है एक लेवल के बाद मास्टर बन जाएंगे, आपको नॉलेज बहुत बढ़ जाएगा, तो इससे आपका ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप प्रीलिम्स पास होंगे। प्रीलिम्स पास करके क्या करेंगे, प्रीलिम्स पास करके आपको कोई यूपीएससी या राष्ट्रपति की तरफ से कोई अवार्ड मिलने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। उल्टा अगर आप ऐसा करके 2-3 साल में एक बार प्रीलिम्स पास हो भी गए, तो वो उल्टा आपको और बर्बाद कर देगा। उसका रीजन ये है कि आप उसको तब छोड़ेंगे नहीं, यूपीएससी को तब छोड़ेंगे नहीं, आप उसको और देते रहेंगे इस उम्मीद में कि आपका कभी ना कभी हो जाएगा, और उस चक्कर में 6-7 साल बर्बाद हो जाएंगे। आपको हमेशा मेंस की पढ़ाई करनी है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए उसमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, एंड दैट इज पॉइंट नंबर 11। सो पॉइंट नंबर 11 में एक और इंपॉर्टेंट चीज कई लोगों के माइंड में रहती है कि फिर इसमें कोचिंग क्लासेस का क्या रोल होता है, या कोचिंग क्लासेस
को कैसे का स्टूडेंट्स को फायदा होता है नहीं होता है, तो उसके बारे में मेरा एक स्पष्ट मत है। वो ये है कि अगर आपको यूपीएससी की पढ़ाई के बारे में या सिविल सर्विसेज का जो भी सिलेबस है या उसके बारे में सब कुछ मालूम है एंड यू नो हाउ टू गो अबाउट इट, तो आपको कोचिंग क्लास की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ज्यादातर केसेस में ऐसा होता नहीं है। तो अगर मान लो जैसे आपके किसी बड़े भाई ने बहन ने ये एग्जाम क्लियर किया हो या नहीं भी किया हो, तो उन लोगों ने इसकी अच्छी पढ़ाई की हो, तो उनको सब मालूम होता है कि उसमें क्या करना होता है, तो वो आपको गाइड कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे पढ़ो। तो अगर आपके सर पे ऐसे किसी का हाथ है तो ठीक है, आप खुद से कर सकते हैं, वरना फिर आपको कोचिंग क्लास ज्वाइन कर लेनी चाहिए। क्योंकि नहीं तो आप अगर आप वैसा नहीं करते तो आपको इस एग्जाम में पढ़ना कितना है और कैसे उससे आगे बढ़ना है ये जानने में ही 1-1.5 साल लग जाएंगे। तो आपका ये पीरियड, ये जो टाइम वेस्ट होने वाला है, ये यहाँ कोचिंग क्लास ज्वाइन करने से बच सकता है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो कोचिंग ज्वाइन नहीं करते वो सिलेक्ट नहीं होते। यूपीएससी में कई कैंडिडेट्स होते हैं जो बिना कोचिंग के सिलेक्ट होते हैं और उसमें कई टॉप में भी आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोचिंग क्लास के बिना सिलेक्शन हो नहीं सकता। लेकिन इसमें अब एक चीज और इम्पोर्टेंट ये है कि कोचिंग क्लासेस का चयन करते समय आपको ये जरूर देखना चाहिए कि कौन सी क्लासेस में आपकी मेंस की थरो प्रिपरेशन कराई जा रही है। तो थरो प्रिपरेशन का मतलब यह है कि आप जब भी किसी कोचिंग क्लास में जाएंगे तो आप उनसे एक सवाल जरूर पूछिए कि ये 1750 नंबर का जो मेंस का पूरा सिलेबस है, इसमें आप कितना कराएंगे और आप उसको कैसे कैसे कराएंगे, और आपके यहाँ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे होती है या नहीं होती है, ये सवाल करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आजकल एक यूपीएससी की कोचिंग क्लासेस भी अपने आप में धंधा बन चुका है, और इसमें क्या करते लोग, जैसे हमारे सिटी में नागपुर में तो ये बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ किसी ने भी जिनका यूपीएससी से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे लोगों ने कोचिंग क्लासेस खोल के रखी है और वो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी जीएस के प्रीलिम्स के कुछ सारे टॉपिक्स करा देते हैं और स्टूडेंट्स को भेज देते हैं कि आपका सिलेबस हो गया। स्टूडेंट्स को भी लगता है कि हमने यूपीएससी की क्लासेस कर ली, उनके माँ बाप को भी लगता है कि उन्होंने अपने बच्चे को यूपीएससी की क्लास में डाला और वो आईएएस बनने वाला है, जबकि ऐसा करके उनका क्या होने वाला है, उनका मेंस कैसे क्लियर होगा। तो आपको ये जरूर पता लगाना है कि किस कोचिंग क्लास में मेंस ओरिएंटेड वे में सिस्टमैटिकली विद मेंटरशिप विद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्रिपरेशन होती है। तो इसके साथ हम अपने अगले पॉइंट पे आते हैं, जो कि आखिरी पॉइंट है और जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण पॉइंट भी है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, हमने जितने पॉइंट्स की बात की उसमें अगर मैं किसी को नंबर 1 रैंक दूंगा तो वो है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को। खैर, हम अभी अपने आखिरी पॉइंट के ऊपर आते हैं। पॉइंट्स तो और भी कई सारे हैं, लेकिन ऐसा करने से वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो हम इसको अपना आखिरी पॉइंट रखते हैं। और वो पॉइंट ये है कि वैकल्पिक विषय का चयन कैसे करें, दैट इज हाउ टू चूज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट पे अगर आपको जानना है तो आप हमारा ये वीडियो देख सकते हैं कि हाउ टू चूज ऑप्शनल सब्जेक्ट, और इस वीडियो में आपको तमाम चीज़ें पता लगेंगी कि कैसे लेना चाहिए। लेकिन अभी मैं ब्रीफली अगर बताना चाहूँ तो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको हमेशा वो लेना चाहिए जिसके लिए आपको आपकी सिटी में, आप जिस भी सिटी में प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें आपके पास बेस्ट गाइडेंस अवेलेबल हो। यहाँ पर आप अपने इंटरेस्ट को साइड में रख दीजिए। देखिए, आपका इंटरेस्ट किस में है वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए। मान लो आपका कोई ऐसे ऑप्शनल में बहुत इंटरेस्ट है या ऐसे सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्ट है जिसके लिए आपको कोई कोचिंग ही नहीं करेगा, आपको कोई गाइड ही नहीं कर सकता, आपको पता ही नहीं कि आप आंसर ठीक से लिख भी रहे या नहीं, तो ऐसा ऑप्शन लेके आप सालों साल क्यों टाइम वेस्ट करना चाहते हैं। मान लो आपको केमिस्ट्री लेना है या फिलोसॉफी लेना है या ऐसा कोई भी ऑप्शनल लेना है जिसके लिए आपको कोई गाइड नहीं करने वाला, तो आपको कैसे पता चलेगा आप राइट डायरेक्शन में है या नहीं। तो इसीलिए ऑप्शनल सब्जेक्ट का चयन करते समय इस फैक्टर को जरूर माइंड में रखिए कि अल्टीमेटली दिस इज अ नंबर गेम, एंड आउट ऑफ दोज 500 मार्क्स फॉर विच आर अलॉटेड टू द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स यू हैव टू स्कोर मैक्सिमम। तो उन मैक्सिमम मार्क्स को लाने के लिए कौन आपका बेस्ट तरीके से करवा के देगा, ये आपका क्राइटेरिया होना चाहिए। क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता आप फिजिक्स लेके पास होते हैं, सोशोलॉजी लेके, मैथ्स लेके या कौन सा सब्जेक्ट लेके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अधिकार कोई कम या ज्यादा नहीं मिलने वाले सिलेक्ट होने के बाद किसी ऑप्शनल की वजह से। आपका एम है इस एग्जाम को क्रैक करना, तो उसके लिए आपको किस ऑप्शनल के लिए बेस्ट गाइडेंस मिलता है और आपकी थोड़ी बहुत कंफर्ट लेवल उसके साथ। बाय एंड लार्ज जो कॉमनली टेकन ऑप्शंस होते हैं आर्ट्स के 5-6, जैसे सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो इन्हीं में से आप कोई एक ऑप्शन चुन सकते हैं। अपना थोड़ा कंफर्ट लेवल देख लीजिए और उसके लिए आपके पास गाइडेंस अवेलेबल है या नहीं, ये चीज़ ज़रूर देखिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।